सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुनपर 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। झूठी शिकायत पर खूब दौड़ा प्रशासन। लेबर इंस्पेक्टर धर्मवीर ने बताया कि शुक्रवार को खरखोदा एसडीएम की सूचना पर खरखोदा उपमंडल के गांव सोहटी में राहुल ईंट भट्टे पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट खरखोदा प्रेम प्रकाश नायब तहसीलदार खाद्य आपूर्ति विभाग इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार और खरखोदा पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जहां मौके पर पहुंचने पर पता चला कि जिस राजेंद्र के नाम से प्रशासन को शिकायत दी गई है वो भी मौके पर ही मौजूद था, लेकिन राजेंद्र ने बताया कि वो पिछले 20 वर्षों से राहुल ईंट भट्टे पर ही काम कर रहा है। फिलहाल ना तो ईंट भट्टे चालू है और ना ही कोई मजदूर यहां पर बंधुआ है। किसी ने मेरे नाम से झूठी शिकायत दी है। वहीं ईंट भट्टा मालिक खुशी राम का कहना है कि जब सारे के सारे ईंट भट्टे बंद हैं तो बंधुआ मजदूरों का तो सवाल ही नहीं बनता। खुशी राम का कहना है कि जिस भी किसी झूठे व्यक्ति ने ये झूठी शिकायत दी प्रशासन को उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बंधुआ मजदूर होने की सूचना पर राहुल ईंट भट्टे पर कई टीमें पहुंची, लेकिन सूचना झूठी निकली। जहां पर कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, जिसकी सूचना अधिकारियों को जल्द ही दी जाएगी और जो इस प्रकार की झूठी शिकायतें दे रहे हैं लोगों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत 24 के लिए सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। हमारा राजेंद्र कुमार नाम है, हम फतेहपुर जिले के रहने वाले हैं, ग्राम महेवा के। हम लगातार यहाँ 20 साल से बाबूजी काम करते हैं। हमका कोई तकलीफ नहीं है, न कोई प्रसार हमको जबरदस्ती है। हम काम करते हैं, अभी भट्टा बंद है, आए हैं और न हमको कोई तकलीफ है। यहाँ राहुल भट्टा कंपनी में हम रहते हैं, लगातार 20 साल हो गए हमको। आपके नाम से शिकायत दी है प्रशासन को? प्रशासन ने हमारे नाम से खिलाफ दी, वो झूठी दी। हमने किसी से प्रशासन से झूठी हमने कोई वो नहीं किया, कोई शिकायत नहीं किया हमने। हमको कोई तकलीफ नहीं तो हम शिकायत कैसे करेंगे। खुशीराम नाम है, राहुल भट्टा कंपनी MVD मार्का। ये प्रशासन तहसीलदार साहब और फूड सप्लाई वाले पुलिस वाले सब आए हुए हैं, भट्टे बंद हैं। क्या कुछ हुआ, किसने क्या शिकायत दी? पता नहीं किसने शिकायत दी है, ये गलत शिकायत है, उस पर कार्रवाई चाहिए। क्या शिकायत आई थी? कुछ शिकायत तो यही तहसीलदार साहब ये मौके पर आए हैं जब पता चला है। नहीं, किसी ने क्या शिकायत दी आपके खिलाफ? हाँ भाई, बंधुआ मजदूर है, मजदूर को बंधुआ है नहीं, भट्टे बंद हैं। तो ये झूठी शिकायत है? झूठी शिकायत है, इस पर भी कार्रवाई चाहिए। तो अभी आप ये साथ देखो भाई, जो झूठी शिकायत है हाँ उस पर कार्रवाई हो। जी सर, आज सोटी गाँव में एक भट्टे पर पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला था? हमें लगभग 4:30 बजे SDM साहब के कार्यालय से मैसेज मिला कि एक कंप्लेंट आई है हाईकोर्ट से, जिसका रिट नंबर 1269/2021 है। और वहाँ पर पता लगा कि भट्टे पर बंधुआ मजदूर जैसी कोई शिकायत है, जिसके संबंध में रिट लगाई गई हाईकोर्ट पर। तो पता लगते ही SDM साहब के आदेश के अनुसार तहसीलदार साहब अपने खरखोदे से नायब तहसीलदार साहब श्री प्रेम कुमार जी के नेतृत्व में फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर श्री प्रवेश कुमार और मैं लेबर इंस्पेक्टर श्री धर्मवीर सिंह भट्टे पर तुरंत पहुँचे। अब लगभग 7:45 बजे का टाइम है। हमने भट्टे पर जो मजदूर मिले हैं मौके पर, 4-5 मजदूर मिले हैं, हमने उनसे पता किया कि भैया किसने शिकायत दी है। उस शिकायत में किसी का नाम मेंशन नहीं किया हुआ, एक नाम मेंशन है राजेंद्र का। तो राजेंद्र भी यहाँ मौके पर हमने बुलाया, उसने बताया कि मैं जड़ाई का काम करता हूँ यहाँ पर और इस भट्टे पर कई साल से है वो, जैसा कि उसने अपने बयान में लिखवाया है। पर इस सीज़न में वो अभी 2 तारीख को आया है यहाँ पर भट्टे में। उसने कहा कि मैं अभी 10 दिन पहले आया हूँ और मैंने कहीं पर कोई शिकायत नहीं लगाई। तो जांच पड़ताल में ये पाया कि ये शिकायत झूठी है। इस पर जितने भी हमने बयान लिए हैं, मौजूद जो वर्कर हैं यहाँ पर, उन्होंने सब ने बताया कि इस भट्टे पर ना तो कोई बंधुआ मजदूर है और ना ही किसी मजदूर को कोई परेशानी है। सब मजदूरों की जो मजदूरी का हिसाब है भट्टा मालिक हर 15 दिन में सरकारी रेट के अनुसार कर देते हैं, तथा आसपास के गांव शहर में अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए सब मजदूर आते जाते रहते हैं, जैसा कि मजदूरों ने अपने बयान में बताया है। तो ये हमें भी लगता है कि शिकायत में कोई नाम भी नहीं है, ना शिकायतकर्ता का नाम है। इसका जवाब बनवा गए माननीय DC साहब के कार्यालय में हम कल भिजवाएंगे, जो कि हाईकोर्ट में 15 तारीख को सबमिट करना है जी। सर, जो ये झूठी शिकायत दे रहे हैं बार बार किसी किसी भट्टे की, तो इन पर भी क्या कोई कार्रवाई होगी? देखो सर, पहले तो ये पता लगना चाहिए कि शिकायतकर्ता कौन है, और फिर भट्टा मालिक ने या जो भट्टा मालिक की एसोसिएशन है यहाँ अपने खरखोदा तहसील में, उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा संज्ञान में लेना चाहिए कि बार बार ये शिकायतें आ रही हैं। लगभग इस सीजन में 10-12 शिकायतें ऐसी आई हमारे पास,
पर आज तक किसी भट्ठे पर हमने कोई बंधुआ मजदूर मिला नहीं है। एक दो भट्ठे पर यह जरूर मिला कि मजदूर आए हैं वहाँ पर, हमें मजदूर मिले और वे बंधुआ नहीं पाए गए। बस उनका यह कहना था कि भाई हम इस भट्ठे पर काम नहीं करना चाहते और वापिस अपने घर जाना चाहते हैं, जबकि बंधुआ मजदूर कोई नहीं मिला प्रशासन की टीम को आज तक खरखोदा तहसील में। तो सर आपका कहना है कि यह खबर झूठी है? बिल्कुल, ये शिकायत अब मौके पर जांच पड़ताल में पाया गया कि शिकायत में कोई सच्चाई नहीं है, झूठी है।